इसलिए रखती है कि 1872 ईस्वी में जब बाबा सर्वप्रथम इधरी से बैलगाड़ियों में श्री क्षेत्र शिरडी आए, औरंगाबाद जिले धूप गांव का पाटिल चांद भाई पाटिल उसके साले के लड़के के बारात के साथ बैलगाड़ियों में से बाबा आए, और ऐसा कहा जाता है इसी वृक्ष के नीचे बैलगाड़ी तो इस मंदिर के पुजारी हैं, उनके दो अन्य साथियों के साथ काशीराम शिल्पी अप्पा जागले ये तीनों साथ ही रहते थे। तो भगत मालसापति ने बाबा को स्वाभाविक उनके उस रूप को देखकर जो भी उन्होंने देखा होगा कहा या साई। या साई का तात्पर्य आइए महानुभाव। तो मालसापति का इतना कहना ऐसे साई चरित्र के लेखक हेमाड पंत अन्य साई बाबा कहते हैं, उसके बाद लोग उनको साई बाबा ही कहकर पुकारने लगे क्योंकि उन्होंने या साई कहा। तो ये स्थान का महत्व, बाबा सबसे पहले शिरडी यहाँ आए, लेकिन इससे पहले भी 1854 ईस्वी में बाबा शिरडी आ चुके हैं एक बार, थोड़े समय रहे, अल्प समय, और पुनः वो जो है कहाँ चले गए किसी को नहीं मालूम। 1854 में आकर वो पुनः अपना एकांतवास में कहीं चले गए। उसके बाद में 1872 ईस्वी में चांद भाई पाटिल के बारात के साथ इसी खंडोबा मंदिर के सामने इस वृक्ष के नीचे जो बैलगाड़ियां रुकी थी उस बैलगाड़ी से बाबा उतर के आए और मालसापति का उनको संबोधित करना या साई और बाबा का नाम साई बाबा पढ़ना, इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त इस खंडोबा मंदिर का एक और महत्व, जिस प्रकार बाबा सबसे पहले 1854 में शिरडी आए, अब पुनः चांद भाई पाटिल बाराज के साथ 1872 में आए, तो यहाँ काशीनाथ उपासनी महाराज जो लिखा हुआ यहाँ उपासनी महाराज साकोरी वाले, तो ये बाबा के संपर्क में आए, तो उपासनी महाराज 3.5 साल यहाँ बाबा की आज्ञा से यहीं रहे। ये वही उपासनी महाराज हैं, साकोरी में इनकी समाधि है, इनका आश्रम है कन्याकुमारी आश्रम, जहाँ कन्याएं जो है हवन आदि का आयोजन करती हैं। इसके बाद जब मालसापति ने कहा या साई, बाबा ने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं यहीं रहूंगा, तो भगत मालसापति के मन में विपरीत विचार आया, हो सकता है कहीं ये शायद मुसलमान नहीं हो, तो उन्होंने कहा ये मुसलमानों की जगह नहीं है, तो आप या तो मस्जिद में जाके वहां रह सकते हैं। इसी जगह बाबा ने कहा अच्छा ठीक है अगर तुम कहते हो मैं यहाँ से जाता हूँ, तो यहाँ से बाबा गए। मस्जिद में जाने से पहले वो नीम वृक्ष जहाँ गुरु स्थान कहते हैं वहाँ गए बाबा, फिर वहाँ जाकर के काफी समय समाधि में लीन दिखाई दी। मालसापति हैं जो इस मंदिर के पुजारी और जो बाबा के परम भक्तों में हो गए थे। जब बाबा ने 1918 में समाधि लिया, इन्होंने कई दिन तक अन्न जल त्याग दिया, अपने उच्च कोटि भक्ति का परिचय दिया, और 4 साल के बाद 1922 ईस्वी में स्वतः ये समाधि ले लिए, इन्होंने शरीर छोड़ दिया।